कभी कभी इत्तेफाक में पड़ने वाला है बहुत जोरदार तमाचा, वो भी आकृति को आने वाले एपिसोड में देखने को मिलने वाला है, क्योंकि उनकी तबीयत खराब होती है और अनुभव उसके साथ नजर आता है। लेकिन तभी यहाँ पर वो अब एक दूसरे से प्यार का इजहार करते नजर आते हैं, सारी गलतफहमियां दूर कर देते हैं कि ना तो रणविजय से शादी करना चाहती है और ना ही वो अनुभव आकृति से प्यार करता है। उसकी वाइफ वो गुनगुन को ही मानता है और वो प्यार तो उसी से करता है। जिसके बाद यहाँ पर गुनगुन उसका हाथ थाम लेती है और कभी नहीं छोड़कर जाने के लिए उसे कहते मनाते नजर आती हैं और अनुभव भी इमोशनल हो जाता है और देखने को मिलेगा इतनी ही देर में होगी चाचू गोलू चाचू के साथ में आकृति की एंट्री और दोनों का इस तरह से हाथ में हाथ लिए देख बहुत बुरी तरह से भड़कते नजर आएगी आकृति और उन दोनों पर ही गुस्सा होते नजर आएगी और गुनगुन को तो बुरी तरह से यहाँ पर कह देती है और इल्जाम लगाते नजर आती है और कहती है कि हाँ तुम्हें तो फिर मौका मिल गया ना अनुभव के करीब आने का, मेरे पति के पीछे पड़ी और अनुभव तुमने तो कहा था कि इनकी शादी के बाद, अब शादी तो हुई नहीं लेकिन ये तो बता दो कि पति आखिर कौन है। जिसके बाद यहाँ पर वो गुनगुन को बहुत बुरी तरह से डांटते नजर आती है और गुनगुन की तबीयत पहले से इतनी खराब हो रही होती है और अनुभव उस पर गुस्सा हो जाता है और यहाँ पर गुनगुन की हालत बिगड़ने की वजह से अनुभव गुस्सा होगा और आकृति को एक जोरदार थप्पड़ मार देगा। जी हाँ दोस्तों, देखने को मिलने वाला है और साथ में एक थप्पड़ के साथ में उसका जवाब भी उसे देगा और वो ये कि अनुभव ही उसका पति है और उसको पूरा हक है और तुमसे पहले हक आकर गुनगुन को है उस पर, क्योंकि शादी हमारी पहले हुई है और तुम्हारी मांग मैंने इसलिए भरी थी क्योंकि तुम मंडप में मेरा इंतजार कर रही थी और गुनगुन का इसलिए भरा था क्योंकि वो मैं उसे प्यार करता हूँ। और यहाँ पर देखने को मिलेगा आकृति के होश उड़ जाते हैं जब वो ये देखती है कि भाई अनुभव ही गुनगुन का पति है और पहले शादी उनकी हुई है, जिसके बाद में वो अब कौन सा तमाशा खड़ा करेगी और परिवार वालों को भी तगड़ा झटका लगने वाला है। तो फाइनली अब गुनगुन सीधा अपने ससुराल पहुँचने वाली है अनुभव के साथ, जहाँ पर सबके होश तो वो उड़ा ही देगी और इसी के साथ में आकृति की ज़िंदगी में अब बहुत ही बड़ा तूफान लेकर आएगी और फिर से वही गुनगुन पहले वाली ही लड़ने झगड़ने वाली और आपके हक के लिए लड़ने वाली गुनगुन लौट कर आएगी अनुभव के मोटिवेट करने के बाद। तो देखना होगा, अब गुनगुन तो अपना हक जमाने आ चुकी है लेकिन दोनों ही बहनों में कौन सा तूफान आता है।